Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है कोरोना महामारी पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग मिशन सागर पर चर्चा करेंगे आज। अगर जो है आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कोरोना महामारी पर निबंध पार्ट टू, तो जो प्रवासी भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान था, वो जो है हमने उसमें वंदे भारत और समुद्र सेतु डिस्कस किया है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये मिशन सागर है क्या। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मिशन सागर पर। आखिर क्या है मिशन सागर? तो देखिए, मिशन सागर जो है भारत सरकार के मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज जो था उसका नाम केसरी था, खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियां सहित COVID-19 संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस रवाना हो गया है। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ भेजा गया है? देखिए, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। अब क्या है मिशन सागर, हम इसको देखते हैं। तो मिशन सागर जो है वो समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियाँ चलाई गई हैं। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यही सागर का फुल फॉर्म है। कार्यक्रम की शुरुआत की गई सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, क्यों शुरू किया गया इसके विषय में देखते हैं। तो देखिए, हिंद महासागर, एक मिनट रुक जाइएगा, हिंद महासागर 40 देशों को स्पर्श करता है और इसके तटों पर विश्व के समस्त तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण माल वहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से गुजरता है। ठीक, संक्षेप में तो यह क्षेत्र सी लाइन कम्युनिकेशन का हृदय है। इसमें स्थित कई सारे देश भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत को की ओर देखते हैं। तो भारत के लिए हिंद महासागर का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि एक तो यहाँ पर मिलने वाले समुद्री संसाधन और अनन्य आर्थिक संसाधनों के दोहन की व्यापक संभावना है। तो यहीं से हिंद महासागर से ही जो आर्थिक रूप से संसाधन निकाले जाते हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं। हालांकि भारत की दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण काफ़ी संकुचित रहा है, तो चूंकि भारत जो है समुद्री दृष्टिकोण अपना मजबूत करता है, तो जिसके कारण भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया था। हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता गया। चीन नेस्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने के कार्य की योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हबन टोटा पोर्ट तक, मालदीव, माराओ पोर्ट, बांग्लादेश चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। मतलब चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा था। कहाँ कहाँ से? भाई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हबन कोटा तक, मालदीव के माराओ पोर्ट, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट समेत, मतलब चारों तरफ से भारत को घेर रहा था। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। तो जो चीन था वो जिबूती में भी अपनी पहली सैन्य चौकी बना दी। हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुष्ट करने के उठाए गए कदम। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से समुद्री कूटनीति को
प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई। भारत सरकार के द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत क्या है सागर नीति, तो वही बताया गया है कि सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में एक सहकारी समुद्रीय सुरक्षा पहल के रूप में हिंद महासागर नौसैनिक सिंपोशियम IONS की शुरुआत की गई थी। हुआ क्या था, पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पकड़ और मौजूदगी को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत जो था वो मेडागास्कर में डिफेंस अतानसे की तैनाती की है। तो भारत ने मेडागास्कर में किसकी तैनाती की, तो अतानसे डिफेंस की। दूतावासों में राजदूत अतिरिक्त नियुक्त किए गए। राजनयिक को डिफेंस अतास कहा जाता है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के द्वारा हिंद महासागर के देशों श्रीलंका मालदीव मॉरिशस और सेशल्स के लिए इंडियन ओशियन रीजन डिवीज़न का गठन किया गया। यह डिवीज़न पश्चिमी हिंद महासागर के देश मेडागास्कर कोमोरोस और फ्रेंच रियूनियन के मामलों को भी डील करेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी रहेगा और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको कहीं ना कहीं मदद ज़रूर देंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही भारत द्वारा मेडागास्कर और कोमोरोस से रक्षा सहयोग समझौते भी किए गए। इसके साथ साथ भारत में हिंद महासागर में अपनी रणनीति स्थिति का मजबूत करने के लिए क्वाड में भी शामिल हुआ। ठीक, तो आपको बता दें कि क्वाड के जरिए भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रिया संयुक्त रूप से चीनी आक्रामक समुद्री नीतियों का प्रतिरोध करेंगे। ठीक, कि मतलब चीन जो है समुद्री नीति के जरिए घेरने का प्रयास करता है, अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने का प्रयास करता है, तो इसीलिए समुद्री नीतियों का प्रतिरोध करेंगे एवं मुक्त समुद्र नीति की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, देखिए भारत में एक रणनीति कदम उठाते हुए व्लादिवोस्तक चेन्नई मेरीटाइट कॉरिडोर VCMC पर मुहर लगाकर संपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू सामरिक महत्व और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। तो देखिए बच्चों, अगर जो है आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और ये क्लास जो है आर के वाइसर ले रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, फ़ायदा ज़रूर होगा। और वहीं करंट अफेयर की भी सुपर 300 करंट अफेयर भी चल रही है, आप जो है अगर चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये था आज हमने जो डिस्कस किया वो मिशन सागर डिस्कस किया। ठीक, तो अब जो कल हमारा वीडियो रहेगा, कल के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो अभी G7 में भारत शामिल होने वाला है तो वो क्या है, G7 में भारत के शामिल होने की संभावना है, तो उस पर चर्चा हम कल करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।